दोस्तों, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का अंतिम T20 मैच 7 जुलाई को खेला जाएगा। पिछले दो मुकाबलों की बात करें तो पहला T20 मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जबकि दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को 35 रनों से हराया। तो ऐसे में तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में जहां वेस्ट इंडीज सीरीज जीतने की कोशिश करेगा, तो वहीं बांग्लादेश चाहेगा कि अंतिम मुकाबला जीतकर सीरीज को बराबर किया जाए। दोस्तों, इस मैच का हम यहां आपको पूरा प्रेडिक्शन बताने वाले हैं। इसके लिए इस पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैश कर ले सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, ताकि आपको हर मैच का प्रेडिक्शन और सारे अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सीरीज का अंतिम मुकाबला वेस्ट इंडीज के प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना में खेला जाएगा। इस मैदान की बात करें तो यहां पर औसत स्कोर 120 से 130 रन के आसपास रहता है, और इस मैदान पर खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो कुल 24 T20 मुकाबले अभी तक इस मैदान पर खेले गए हैं, जिसमें 13 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 8 मैच स्कोर का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं। अब तक इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 194 रन रहा है और लोएस्ट स्कोर 46 रन रहा है। इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी चुन सकती है, क्योंकि पिच जब फ्रेश रहती है तब तक इस पर बल्लेबाजी आसान रहती है, और इसके बाद धीरे धीरे ये स्पिनर्स गेंदबाजों को मदद देना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं दोनों ही टीमों के बारे में। वेस्ट इंडीज टीम ने पिछला मुकाबला 35 रनों से जीता था, और वेस्ट इंडीज की टीम चाहेगी कि अंतिम मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा किया जाए। तो ऐसे में इस टीम की प्लेइंग 11 में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। टीम के सभी बल्लेबाज अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि गेंदबाजों में भी पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं बांग्लादेश टीम की बात करें तो पिछला मैच स्कोर का पीछा करते हुए टीम ने गंवा दिया था। शाकिब अल हसन के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि टीम के पास अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है, तो ऐसे में इस अंतिम मुकाबले में टीम के बल्लेबाजों को अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलना होगा। जबकि गेंदबाजों की बात करें तो पिछले मुकाबले में टीम के प्रमुख गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे, तो ऐसे में गेंदबाजी को लेकर टीम को नई रणनीति बनाने की जरूरत है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि टीम की प्लेइंग 11 में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो दोनों ही टीमें 15 बार T20 मैचों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें 8 मुकाबले वेस्ट इंडीज ने और 5 मुकाबले बांग्लादेश ने जीते हैं। T20 मैचों की बात करें तो वेस्ट इंडीज इस फॉर्मेट की काफी अच्छी टीम है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वेस्ट इंडीज ये अंतिम मुकाबला भी जीत लेगी। हालांकि बांग्लादेश की टीम को वापसी करने के लिए जाना जाता है, लेकिन होम एडवांटेज का फायदा वेस्ट इंडीज को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, यहाँ क्लिक करके आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सब कुछ बता सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। इसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।